दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम WTC का फाइनल जीत जाए तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। 203वें टेस्ट मैच को जीतकर भारतीय क्रिकेट टीम WTC की पॉइंट टेबल में सबसे बड़ा भूचाल ला देगी। कैसे अगले दो दिनों के अंदर भारतीय क्रिकेट टीम तीसरे टेस्ट मैच को जीतकर सीधा पहुंचेगी WTC फाइनल में, पाकिस्तान की टीम कहां पीछे रह गई है, बाकी टीमों का क्या हाल है, आपको सब कुछ इस वीडियो के जरिए बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, अगर WTC का फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है तो उसे कौन जीतेगा, भारत या ऑस्ट्रेलिया, नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों इस समय भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में 4 मैचों की रोमांचक टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस सीरीज के 2 मैच को भारतीय क्रिकेट टीम ने बड़ी मजबूती से जीत कर अपने नाम किया। पहले मुकाबले को 132 रन और एक पारी के अंतर से भारतीय क्रिकेट टीम ने 3 दिन के अंदर जीता। तो जब दिल्ली में आना हुआ तो दिल्ली फतेह की गई 3 दिन से कम अंतराल के अंदर ही, जहां दोस्तों हमने 6 विकेट के अंतर से मुकाबले को जीतकर अपने नाम तो किया ही था, साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह भी बता दिया था कि WTC के फाइनल में उनके प्रतिद्वंद्वी हम ही बनेंगे। लेकिन दोस्तों WTC के फाइनल तक पहुंचने के लिए अब भारत और ऑस्ट्रेलिया टीम के बीच में सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच भी शुरू हो चुका है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में दोस्तों इस मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है। होलकर स्टेडियम में 200 भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में जैसे ही सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों ने गेंदबाजी से पंजा कसना शुरू कर दिया था। और ताज्जुब की बात तो ये रही कि इस बार भारतीय नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के स्पिनर खेल गए, क्योंकि दोस्तों रोहित शर्मा से लेकर शुभमन गिल से लेकर विराट कोहली, हर कोई स्पिनर्स के हत्थे चढ़ा। स्टार का रुतबा तो अलग था ही। खैर दोस्तों जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, वैसे ही हमारी टीम के खिलाड़ी ताश के पत्तों की तरफ बिखर गए और 109 रन पर आउट हो गए। लेकिन दोस्तों दिन का खेल खत्म होने तक हमारे भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त कमबैक भी किया और भारतीय क्रिकेट टीम को कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर रख दिया है। वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों जडेजा ने आते ही पहला विकेट पारी के दूसरे ओवर में लिया था, उसके बाद देखते ही देखते 3-4 विकेट जड्डू अकेले अपने नाम कर गए। और इसी तरीके से दोस्तों अब दूसरे दिन के खेल में भी भारतीय खिलाड़ी तैयार हैं पहले सेशन के अंदर ऑस्ट्रेलिया को निपटाने के लिए। अब तक दोस्तों ऑस्ट्रेलिया हमसे केवल 67 रन ही आगे है। अब भारतीय क्रिकेट टीम का जो मकसद रहेगा वह यह है कि इस दूसरी पारी के अंदर लगभग 300 से 400 रन बनाए जाएं। और दोस्तों ये मुमकिन है, जरा गौर फरमाइएगा कैसे। इसी पिच पर दोस्तों भारत ने कभी वनडे में 400 से ज्यादा रन बनाए थे। अब ये एक आंकड़ा काफी है आपको ये बताने के लिए कि भारतीय क्रिकेट टीम इस मैदान पर चाहे तो क्या नहीं कर सकती। मतलब कि दोस्तों दूसरे दिन के खेल के पहले सेशन में भारत को ऑस्ट्रेलिया को लगभग 200 के आसपास लुढ़काना होगा और उसके बाद बनाने होंगे 300 से 400 रन, जिसके बाद हम पारी डिक्लेयर करके ऑस्ट्रेलिया की टीम को अगेन 200 रन के दायरे के अंदर आउट कर इस मुकाबले को जीत सकते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से पॉसिबल है और ऐसा होगा भी। और दोस्तों यदि ऐसा हुआ तो इस बार WTC की पॉइंट टेबल के फाइनल में हमारा नाम पक्का हो जाएगा इस जीत से। फिलहाल कौन सी टीम कहां इस पॉइंट टेबल में, चलिए एक एक कर आपको बताते हैं। दोस्तों WTC की लिस्ट में कुल 9 टीमें हैं। 9वें नंबर की बात करें तो यहां पर आती है बांग्लादेश की टीम, जिसने 12 में से अब तक एक ही मैच जीता है और 10 मैच हार भी गई है। एक मैच ड्रॉ हुआ है जिसके चलते इनके पास मात्र 16 अंक हैं। तो वहीं 8वें पायदान पर न्यूजीलैंड की टीम है, जिसने हाल फिलहाल में ऐतिहासिक मैच जरूर जीता है, लेकिन ये WTC की पॉइंट टेबल के लायक वाले स्कोरबोर्ड में से 11 में से 2 मैच जीते हैं, 6 मैच हारे हैं, 3 ड्रॉ हुए, जिसके बाद इनके पास पूरे 36 अंक हैं। तो वहीं 207वें नंबर पर हमारा बेचारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान आता है, जो 14 में से 4 मैच जीत पाया है। ये 6 मैच हार चुके हैं और साथ ही साथ इनके 4 ड्रॉ हुए, जिसके चलते इनके 64 अंक जरूर हैं, लेकिन 7वें नंबर पर हैं तो फाइनल केवल एक सपना है। तो 6ठे पायदान पर वेस्टइंडीज की टीम है, 11 में से 4 मैच जीते, 5 गवाए, तो वहीं 2 ड्रॉ हुए, जिसके चलते इनके 54 अंक हैं। तो वहीं 205वें नंबर पर है इंग्लैंड की टीम, जिसने 22 में से 10 मैच जीते, 8 गवाए, तो 4 ड्रॉ हुए, जिसके चलते इनके पास पूरे 124 अंक जरूर हैं, लेकिन इतने ज्यादा मैच खेलकर इतने ही अंक बनाए तो फाइनल आपसे बहुत दूर है। दोस्तों टॉप 4 के क्लब में सबसे पहली टीम यानी कि 4थे नंबर पर आती है साउथ अफ्रीकी टीम, 13 में से 6 मैच जीते, 6 गवाए, 1 ड्रॉ हुआ, 76 अंक है, लेकिन फाइनल से कोसों दूर। और तीसरे नंबर पर है श्रीलंकाई टीम, 10 में से 5 मैच जीत लिए, 4 गवाए, 1 ड्रॉ हुआ, 64 अंक के साथ तीसरे पायदान पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। लेकिन दूसरे नंबर पर है हमारी प्यारी भारतीय क्रिकेट टीम, 16 में से 10 मैच जीते, 4 गवाए और 2 ड्रॉ हुए, जिसके चलते इनके पास 123 अंक है। तो वही नंबर 1 पर है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया टीम, जिसने 17 में से अपने 10 मैच जीते, 3 गवाए और 4 ड्रॉ होने के चलते इनके पास 136 अंक जरूर है। लेकिन दोस्तों अगर भारतीय टीम अपना 17वां मैच जीती तो इनसे आगे पहुंच जाएगी और पहुंच जाएगी सीधा WTC फाइनल में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर।
लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, अगर WTC का फाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता तो उसे कौन जीतेगा? नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।